देखिए, हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेशर एंड मेजरमेंट। प्रेशर के बारे में हम इतना जानते हैं, सुनते जाइए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एम जी डिवाइडेड बाय ए, एरिया हो गया, एम मास है, जी ग्रेविटेशन है। जब भी कोई लिक्विड फ्लूड आएगा तो उसमें एम जी नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, दोनों तरफ एच से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ए और एच एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट वॉल्यूम, एम जी एच मैंने लिख दिया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी, ये डेंसिटी आ गया, तो एक तरह से एच डी जी हो गया, हाइट डेंसिटी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? इन केस ऑफ फ्लूड लिक्विड और गैस, प्रेशर अप्लाइंग टॉप टू बॉटम बिकॉज ग्रेविटी वर्क इन टॉप टू बॉटम। ये फ्लूड कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन हम यहाँ पर जनरली सॉलिड, जनरली लिक्विड और गैस की स्टडी कर रहे हैं बस। अगला पॉइंट थर्ड नंबर का, हमने तीन पॉइंट लिए ए बी सी, इसके ऊपर एयर है। क्या है? एयर है। तो जब एयर है तो एयर का प्रेशर लगेगा, कितना लगेगा? एटीएम यानी एटमोसफियर प्रेशर। तो जहां पर भी हम देखेंगे 1 एटीएम प्रेशर लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? सही है। अब बी पॉइंट पे क्या लगेगा? 1 एटीएम प्लस H1 बी पर, ये बी है पॉइंट, कोई भी बी पॉइंट आ गया, ये मान लीजिए बी पॉइंट यहां है और ये B2 है, तो H1 DG और H2 DG, सही है? तो एक जगह H1 DG हो जाएगा और एक जगह क्या हो जाएगा? H2 DG। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये आपके पास प्रेशर हो गया। फोर्थ नंबर पे देखते हैं हम, प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन फर्स्ट डेप्थ ऑफ पॉइंट, पॉइंट कितना अंदर है, दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, तीसरा वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटेशन क्या है, वो तो जनरली जी रहेगा अर्थ पर, तो इनडिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, यानी शेप इस तरह का हो या इस तरह का हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो शेप और साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किस पे पड़ेगा? सिर्फ डेप्थ पर, कौन सा लिक्विड है उसकी डेंसिटी पर, और जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी एच डी जी पे डिपेंड करेगा। सपोज ये कंटेनर है जिसमें दो लिक्विड है जो इमिजिबल है, पॉइंट ए पर किसका प्रेशर लगेगा? एटीएम। बी पर किसका लगेगा? एटीएम प्लस दिस लिक्विड एचडीजी। और यहां किस पे लगेगा? ऊपर वाले लिक्विड का भी और एयर का भी, तो इसलिए पीसी कितना होगा? 1 H1 DG प्लस H2 DG। क्लियर है? अब आप बताइए मेरे पे किसका प्रेशर लग रहा है इस समय? 1 एटीएम। पक्का? तो जब मैं फ्लूइड में ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर क्या होता जाएगा? धीरे धीरे कम। तो मैं यहां हाथ से ऊपर ले गया तो क्या प्रेशर कम हुआ है? हाँ। कितना कम हुआ है? बहुत ही कम। क्यों? मान लीजिए यहां पर प्रेशर 1 है तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस करना पड़ेगा HDG, लेकिन डेंसिटी ऑफ गैस बहुत ही कम है तो HDG की वैल्यू क्या हो जाएगी? इतनी कम आ जाएगी, इतनी कम होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं यहां से 100 मंजिल ऊपर चला गया तो फिर वो हाइट इतनी ज्यादा है कि एच डी जी की वैल्यू एक सिग्निफिकेंस फिगर आने लग जाएगी। एक आइडिया से बता रहा हूं कि अगर हम 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाते हैं तो हमारे पर प्रेशर लगभग हाफ एटीएम रह जाता है। 2 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद प्रेशर कम होता है। समझ में आ रहा है? तो ये 200 300 सेंटीमीटर ऊपर जाने पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। कोई डाउट? तो आप इस चीज को समझो कि जो मैंने आपको बताया है कि नीचे जाने पर जो प्रेशर है उसमें ऐड होगा और ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो चलिए इस पॉइंट को लिखते हैं। तो ये चीज तो क्लियर है। और एयर में थोड़ा ऊपर नीचे जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन फ्लूइड अगर लिक्विड है तो ऊपर नीचे जाने पर फर्क पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो लिखते जाए आप, तो आसान भाषा में समझ लो, आप तो सारी चीजें बात की है। पहले तो इसको ऐसे समझो, ये कंटेनर है, दो तरह के लिक्विड है, ऊपर की तरफ भी लिक्विड है, नीचे की तरफ भी लिक्विड है। ऊपर की तरफ के लिक्विड अलग डेंसिटी की रखता है जिसकी डेंसिटी D1 है, नीचे वाला लिक्विड अलग डेंसिटी रखता है जिसकी डेंसिटी D2 है, उसकी हाइट भी अलग है। दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते यानी इमिजिबल है। अब हमें ये दिया गया है कि यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया जहाँ पर प्रेशर P है,
रिलेटिव चलता है, ऊपर जाने पर ये प्रेशर कम होगा, नीचे जाने पर ये प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाने पर कितना कम होगा पी के रेस्पेक्ट में देखना है। तो कितना होगा पी वन इस पॉइंट पे होगा पी माइनस एच वन डी जी, पी वन पी माइनस एच वन डी वन जी, नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि यहां ऑलरेडी दे चुके हैं आप, अब इसके बाद तो आप इतना सा नीचे गए हो, तो ये कितना हो जाएगा पी टू इक्वल टू पी प्लस एच टू डी टू जी। अगर ये प्रेशर यहाँ की जगह यहाँ मेंशन होता तो फिर आप उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा है रिलेटिव प्रॉपर्टी, किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट पॉइंट कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है तो नीचे जा रहे हो, यहाँ दे रखा है तो ऊपर जा रहे हो, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, दिस कंसेप्ट इज वैलिड फॉर ओपन एंड क्लोज बोथ कंटेनर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कंटेनर ऊपर क्या था नीचे क्या था, ठीक है, मुझे तो रिलेटिव चलना है। ओके आ रही है बात समझ में, डेंसिटी गैस की इस लिक्विड की जितनी ज्यादा होगी ऊपर जाने पे उतना ही तेजी से कम होगा, और डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी ऊपर जाने पे उतना ही बढ़ेगा तेजी से, डेंसिटी भी रोल में आ रहा है। तो आप मैथ्स लगाओ आप इस जगह, हाँ बोलो बेटा, पी वन जीरो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल, तो जो भी आ सकता है वो आने दो, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं तो कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है जीरो आ रहा है, मैं कंटेनर और बड़ा बना दूं और पॉइंट नीचे दे दूं, बिल्कुल सही है इस जगह, लेकिन अब अगर ये कंटेनर बड़ा बना दिया जाए बेटा, ये लो और फिर तो यहां पर जीरो तो नहीं होगा, अब नहीं होगा, ठीक है ना, तो क्लोज होता तो हम मान लेते कि हाँ जीरो आ रहा है क्योंकि उसके ऊपर कोई फ्लूड है ही नहीं, ये अब तो जीरो नहीं होगा, अब ये होगा, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। हाँ अगर ये क्लोज होता तो ये वैल्यू पी वन की वैल्यू क्या आ जाती, जीरो आ जाती, क्योंकि उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया सपोज। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ रिलेटिव प्रेशर है कॉन्सेप्ट्स लिक्विड के अंदर फ्लूड के अंदर, और आपको पॉइंट पे दिया जा रहा है, अब वो बस ये कॉन्सेप्ट्स लगाना है, आ गया समझ में, बस इतना जरूर ध्यान रखना कि यहां पर एच वन इस जगह डेंसिटी भी अलग अलग है, तो एच वन डी वन जी रखेगा यहाँ पर, इस जगह एच टू डी टू जी रहेगा, ये डेंसिटी का कंसेप्ट, मैंने वहां पर वो चीज ध्यान नहीं रखी थी, एच वन डी वन जी वन लिखना था, जी वन तो चलेगा क्योंकि जी तो सेम है, तो जी तो दोनों तरह सेम रहेगा। देखो इधर सिक्स नंबर का पॉइंट हमारे पास, सेवन नंबर का पॉइंट हमारा इंतजार कर रहा है, सिक्स हमने कर लिया, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रेशर क्या कह रहा है, इन सेम कंटेनर ऑल पॉइंट ऑफ सेम डेप्थ हैव सेम वैल्यू ऑफ प्रेशर, यानी ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर कोई ये लिक्विड है सेम डेप्थ ले लो यहां और यहां पर, सेम डेप्थ में ए और ए पर, तो सेम डेप्थ पर आपके प्रेशर की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम, यानी पी ए और पी बी की वैल्यू क्या होगी, बराबर, क्यों भाई, इसमें भी वही प्रेशर होगा, देखो 180 प्लस एच डी जी और यहाँ पर भी एच डी जी, जब तक हाइट चेंज नहीं होगी या डेंसिटी चेंज नहीं होती तब तक प्रेशर चेंज नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर दोनों क्योंकि सेम कंटेनर में दोनों तरफ सेम लिक्विड की डेंसिटी रहेगी, अलग हो ही नहीं सकती, हाइट सेम रख ली गई है, हाइट अलग हो सकती थी लेकिन सेम रख ली गई है, जी दोनों पे सेम वर्क करेगा क्योंकि सेम वो क्या कहते हैं अर्थ पर ही रखा हुआ है दोनों के लिए, अर्थ के लिए जी की वैल्यू सेम है, तो वो तो सब चेंज हो ही नहीं सकता, तो कुछ भी अलग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पी इक्वल टू क्या होगा, पी भी होगा। अगर ये कंटेनर इस तरह से बना देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सेम डेप्थ पर सारी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम, बोलो होगी या नहीं होगी, पहला पॉइंट क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट, अगर मैंने इस कंसेप्ट का यूज यहां करा, मैंने एक कंटेनर बनाया और ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, इंटरलिंक का मतलब लिक्विड अंदर जा सकता है बाहर आ सकता है, ये एक डिवाइस है जिसके ऊपर मैंने ये बीकर रख दिया है उल्टा और टच कर दिया है, और यहाँ से ये भले ही कनेक्ट नहीं है लेकिन नीचे की तरफ से कनेक्ट है यहाँ से इस जगह से, ठीक है, आ भी सकता है जा भी सकता है, जब फ्लो हो सकता है आ सकता है जा सकता है, तो इसका मतलब सेम पॉइंट पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, अगर फ्लो नहीं होता तो मैं नहीं कह सकता था, लेकिन फ्लो है लिक्विड्स के अंदर तो फ्लो होने की वजह से सेम पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम, या सुनो, तो यहां पर ए पर जितना प्रेशर रहेगा उतना ही बी पे रहेगा, अब ए पर क्या प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से 180,
बी पर क्या प्रेशर लग रहा है? क्लोज होने की वजह से, ऊपर क्लोज है, एटीएम प्रेशर लग ही नहीं सकता, नहीं लगता, लेकिन गैस भरी हुई है तो गैस का प्रेशर प्लस इस लिक्विड का जिसकी हाइट एच टू है, एच टू डी डी टू जी, और यहां हाइट कितनी है एच वन डी वन जी, तो यहां ऊपर से प्रेशर देखते हैं हमेशा। प्रेशर किसी भी पॉइंट पे देखना हो ना, ऊपर से देखो, ऊपर से जितना लग रहा है वो सब देख लो, इधर से जितना ऊपर लग रहा है वो देख लो, दोनों ही पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा, ये हमारा रूल कह रहा है। तो यानी कि आपके पास 1 एटीएम की वैल्यू, पी इक्वल टू पी वी, पी ए पे 1 एटीएम है, 1 एटीएम की वैल्यू क्या है, पी गैस एच टू डी टू जी प्लस एच वन डी वन जी। या सुनो, अगर मैं आपको एच वन एच टू डी वन डी टू दे देता हूँ तो क्या आप पी गैस की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 एटीएम आपके पास है, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। तो ये हमारा 7 नंबर का पॉइंट है जो आपके बहुत काम आएगा। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जैसे कंटेनर ओपन है, इस पॉइंट पे 1 एटीएम 1 एटीएम 1 एटीएम 1 एटीएम 1 एटीएम 1 एटीएम 1 एटीएम, नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां पर 1 एटीएम है तो नीचे जाएंगे तो कितना होगा, 1 प्लस समथिंग वैल्यू एच डी जी, और नीचे जाएंगे एच डी जी, एच की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां पर भी 1 एटीएम है क्योंकि सेम पॉइंट पे सेम है, तो यहां नीचे जाएंगे 1 प्लस एच डी जी, यहां ऊपर जाएंगे, यहां आ गए, इस जगह प्रेशर क्या होगा, 1 माइनस एच वन डी वन जी, और ऊपर चले गए, यहां प्रेशर क्या होगा, 1 माइनस एच वन डी वन जी माइनस एच टू डी टू जी, क्योंकि आपका प्रेशर यहां पर मालूम है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको माइनस करना है, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे प्लस करना है। ये हमने अभी पॉइंट नंबर 6 और 7 से पढ़ा है, समझ में आ रहा है। यहां प्रेशर दे रखा होता, सपोज पी, यहां पी दिया होता रिलेटिव प्रेशर, तो ऊपर जाते तो क्या होता, माइनस, तो पी माइनस एच वन एच टू डी टू जी, और ऊपर जाते माइनस पी माइनस एच टू डी टू जी माइनस एच वन डी वन जी, दोनों माइनस होते हैं। ये आपने अभी तक पढ़ा है, अच्छे से समझ में आ गया, ऊपर जाने पे माइनस करना है, नीचे जाने पे प्लस करना है, कोई डाउट नहीं है, पक्का? एक मिनट पहले इसी समझ लो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, रूल फॉर कैलकुलेशंस ऑफ प्रेशर। केस फर्स्ट, ये हमने यहां पर क्या लगा, गैस रख दी, पूरी गैस है, फिर लिक्विड है, और वो लिक्विड कोई और नहीं मरकरी है, और नीचे बॉटम पे एक पॉइंट बना रखा है ए, उस पॉइंट पे प्रेशर डायरेक्ट बताना है। हमें हर चीज दी गई है, एच हाइट दे रखी है, एमएम में दे रखा है, तो हमने 1 प्लस एच डी जी लिख दिया, लेकिन दिमाग में ये है कि 1 तो एटीएम में, एच डी जी एटीएम में नहीं है, वो किसी और यूनिट में, तो वो अभी हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे यहां पर। तो 1 एटीएम लिख दिया, फिर क्या करा हमने, एच की वैल्यू क्योंकि एमएम ऑफ एच जी में दे रखा है, उसको मीटर में चेंज करा, एमएम को मीटर में चेंज करा, डेंसिटी जो कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम को किलोग्राम और सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में चेंज करा, तो इस तरह से ये चेंजेज हुआ और फाइनली आपको 13.6 × 10³ किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिला। जी के वैल्यू 9.8 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वो अलग हो गया। अब ये सब करने के बाद जो प्रेशर मिल रहा है वो किस में मिल रहा है आपको, फास्कल में, क्योंकि सब एमकेएस में रखा है, और यहां एटीएम है, एटीएम में फास्कल ऐड नहीं हो सकता, तो फिर फास्कल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, एटीएम में। उसके लिए क्या करा आपने, 1.01325 × 10⁵ का डिवाइड कर दिया, तब आपके पास ये भी किसमें चेंज हो गया, एटीएम में, ये भी एटीएम में। ये कैलकुलेशन मैंने करा तो एच डिवाइडेड बाय 760 आया, मैंने एच किस में लिया था, एमएम में, तो यहां लिख दिया एमएम में। अगर ये एच में सेंटीमीटर में लिखा होता तो ये 76 आता पक्का, और अगर ये मीटर में लिखा होता तो 0.76 आता। बोलो आ रही है बात समझ में? तो ये तो हुआ मेरा केस स्टडी फर्स्ट। केस स्टडी सेकंड, लिक्विड हैव डेंसिटी डी, यानी मरकरी नहीं है, तो क्या करेंगे, उसकी डेंसिटी दे रखी है डी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट डेप्थ जो दे रखी है एच, वही है, तो 1 प्लस एच डी जी, 1 तो एटीएम है, तो मैंने क्या किया, जो डेंसिटी है वो डी, यहां पर दे रखी है डी वन, डी वन लिख लो या डी एल लिख लो आप, डी लिक्विड, तो ये जो डी लिक्विड है, एच डी लिक्विड, इसमें डेंसिटी ऑफ मर्करी मल्टीप्लाई करा, डिवाइड किया, ये वाली टर्म अंदर ले गया, ये वाली टर्म बाहर ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच डी मर्करी और जी, इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, एच डिवाइडेड बाय 76,
तो बचा क्या, डी लिक्विड अपॉन डी मरकरी। डी लिक्विड की वैल्यू एग्जामिनर देगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और मरकरी की हम जानते हैं कितना होता है, 13.6। तो हमने कर लिया, हमने एक और शॉर्ट ट्रिक बना ली। तो कोई भी लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी ये दे रखा है, नीचे जाने पर इस लेवल से बढ़ेगा और ऊपर जाने पर ये माइनस होता चला जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से? देखिए दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल मैंने लिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड और एग्जाम्पल थर्ड। फर्स्ट, फाइंड प्रेशर ए बी सी पॉइंट। ये इस तरह की डिवाइस है, ऊपर एयर है, यहाँ एयर दी गई है, फिर उसके बाद एक लिक्विड है, फिर दूसरा लिक्विड है, ये इमिजिबल है, मिल नहीं रहे। इस ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी कम होगी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नीचे वाले की ज़्यादा दी गई है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेप्थ जो है वो 40 सेंटीमीटर, इसकी डेप्थ है 20 सेंटीमीटर, और प्रेशर आपको एटीएम में बताना है। किस में बताना है? एटीएम में, और एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो हमारा फॉर्मूला तैयार है, 1/h/760 × d/13.6। क्या तैयार है आपका भी? हाँ, अब बस वैल्यूज रखनी है। ये तब लगता है जब लिक्विड मरकरी ना हो, मरकरी हो जाएगा तो 13.6/13.6 कट जाएगा, यही रह जाएगा फॉर्मूला, जानते हो ये। तो 1 + h की वैल्यू कितना दे रखा है, सबसे पहले पी ए 0, तो 1 आ जाएगा। दूसरे के अंदर भी सेम फॉर्मूला लगेगा आपके पास, 1 + h की वैल्यू कितना दिया गया आपको, 20/760, लेकिन ये मरकरी नहीं है तो 3/13.6 एटीएम। क्या हमने सही किया है? ये आपका यहाँ पर 1 है, 1 तो ऐड होगा ही, 1 तो है ही, उसके बाद नीचे जाने पर ऐड और हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20/10। ये आपको mm में दिया है, 20 mm, इसलिए 760 का डिवाइड किया है। अगर वो सेंटीमीटर में होता तो आप उसी तरीके से करते। अब पी सी के लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से 1 + 20/760 × 3/13.6, यहाँ तक तो आ ही गए थे आप, प्लस 40/760 × 5/13.6। इस प्रेशर में और ऐड करोगे आप तो यहाँ आपके पास सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर 76 ही रहेगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, कोई डाउट नहीं है। और फाइनल यूनिट आपके पास एटीएम आएगी इन सब में। अगर आपको फाइनल में एमएम ऑफ एचजी में दे दिया जाए, पूछा जाए, या टॉर में पूछा जाए, तो एटीएम को टॉर में कन्वर्ट करना आता है आपको, 760 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले एटीएम में निकाल दो। अब तो आप सब इस तरफ देखो, यहां ओपन है, यहां प्रेशर 1 है, एयर में ऊपर नीचे जाने पर क्या रहता है, 1 ही रहता है। मैंने बताया ऐसा क्यों, क्योंकि एयर की डेंसिटी इतनी कम होती है कि ऊपर नीचे जाने पे, थोड़ा ऊपर नीचे जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, बोलो यस और नो। यहाँ सेम पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है 1। अब ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, ऊपर, तो पी गैस की जो वैल्यू होगी वो 1 - ऊपर जा रहे हो आप, ध्यान रखना, तो −20/760 × डेंसिटी कितनी दे रखी है, 5/13.6, बोलो यस और नो। तो जैसे ही क्या आप यहाँ आ गए, प्रेशर पी गैस, अब ऊपर नीचे जाओगे सब जगह सेम ही रहेगा प्रेशर पूरे गैस में हर पॉइंट पे। अगर यहाँ पूछा जाएगा तब भी ये रहेगा, यहाँ पूछा जाएगा तब भी ये रहेगा, और ऊपर पॉइंट पे पूछा जाएगा तब भी ये रहेगा। तो आपने क्या सीखा, पॉइंट लिखना है, गैस के अंदर ऊपर नीचे जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत हाइट के साथ वेरिएशन होगा, तो थोड़ा लगा देना, गैस में थोड़ा ऊपर नीचे जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये भी पॉइंट हमारे वहां पर होना चाहिए था मेन पॉइंट में। इधर देखो, यहां आपके पास 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, समझ में आ रहा है। यहां पर इस जगह कितना हो जाएगा, 1 + ही होगा, 1 + hdg वही ये रहेगा, और फिर उसके बाद वही रहेगा। तो एक तरह से क्या होगा, 1 + hdg, h कितना है आपके पास 20, लेकिन डेंसिटी 5 है,
बोलो समझ में आया? 13.6 क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो यहां पर आप नीचे आओगे तो 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 760 13.6 यहां आ गए, इतना ही प्रेशर रहेगा इस पॉइंट पे। अब ऊपर कहीं पे भी चले जाओ यही प्रेशर ऑफ गैस बना रहेगा। क्लियर है? लिखो। तो यहां ध्यान रखना, थोड़ा सा मेरे को दिखाना है। तो यहां पर प्रेशर गैस कितना रहेगा? 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, यहां लिख देता हूं यार जगह नहीं मिल रही थी वहां पर, 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 760 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 13.6। क्या मैं सही हूं? अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है 13.6, और फिर उसके बाद आप कर लेंगे। बोलो समझ में आ गया? सब कुछ सही है? ये आंसर किसमें आएगा? एटीएम में जो यहां होगा वही ऊपर होगा।